भाई साइड में जगह पीछे बैठ जाए, पीछे काफी जगह खाली है साइड में। और तो सही जगह करना आपका अपना कर्तव्य है भाई। अभिमन्यु राव भी आ गए, श्री दीपक राव आपका आगे जगह में है। तुम्हारे यहाँ खड़े ना रहे श्री दरवाजे के पास, एक बार है ना लड़के बैठे हुए वो और अपर ले कर जा रहा चार साल। हमारे राव जी अभी आने वाले हैं, अभी सॉरी उपेंद्र सिंह जी का बुके लेकर के डिनर करेंगे। केजरीवाल एमएलए साहब कहाँ हैं? यस और राव नरेंद्र जी आइए, मैं प्रार्थना करूंगा अपने साथी चौधरी हजरात से कैप्टन हरीश गुलेवान जी हमारे चुनाव के रेजिडेंट मैंने हैं पैनल के साथ, उनका कहना है हमारी काफ़ी समस्याएं हैं, मेयर मैडम हमारी मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे को इससे पहले कभी ये बात नोटिस में नहीं आई थी जो उनकी दिक्कतें थी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैंने फिजिकली जाके ऑन साइट भी देखी है कि वाकई उनकी दिक्कतें जायज़ थी और आज हमने कमिश्नर के साथ बैठ के वो सब डिस्कस करी है और कहाँ कहाँ हम किस किस चीज़ का पॉइंट्स हम ठीक कर सकते हैं, जैसे कि पंप है उनको अपग्रेड कर सकते हैं और जो पीछे से पाइप आ रही है वो छोटी आगे डाली हुई है उसको हम बदल के दो फीट की कर सकते हैं और जो कोई बंद नाला पड़ा हुआ उसको हम खोल सकते हैं ताकि पानी जो पहले जिस तरह से निकलता था उस तरह से दोबारा निकल सके। तो काफ़ी अच्छी मुलाकात उनकी हुई है, कमिश्नर के साथ डिस्कशन हुआ है जिसमें XCN भी रहे हैं, JE भी रहे हैं मौके पर और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि हम इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। मैम एजेंट का कहना है कि नेक्स्ट मंथ मैम ने कहा है कि जो अपकमिंग मंथ आ रहा है उसमें एक मीटिंग और की जाएगी, जायज़ा लिया जाएगा कि कितना अमल हुआ है इस पर। देखिए उनको एक अश्योरेंस दी है कमिश्नर ने कि कम से कम हम जो कुछ हमने आज डिस्कस किया है वो हम पेपर पे लेके आएंगे, उसका सर्वे करके और जो भी कुछ उसमें हम बेसिक कार्रवाई है उनको जो जो काम करने हैं उनको डाल के पोर्टल पे डाल के या फिर उनको एस्टिमेट्स बनवाने हैं वो करके तो एक महीने के अंदर वो धरातल पे उसको दिखाएंगे। बहुत पॉजिटिव अप्रोच मिली है कमिश्नर मैम की, हमारे साथ जो हमारे शहर की मेयर है वो भी उस मीटिंग में थी, मेयर मैम की ने और कमिश्नर मैम ने हमें पूरा एश्योर किया है कि आपकी जो समस्या है उसका ग्राउंड पे कुछ ना कुछ हम एक महीने में आपको रिजल्ट दिखाएंगे और जो आपकी समस्याएं हैं सारी उन्होंने बड़े ध्यान से सुन ली हैं और जल्दी ही मेरे को उम्मीद है कि पूरी उन्होंने एश्योर किया है कि हम जल्दी कोई कामयाबी सेक्टर के लोगों को दिखा पाएंगे। आपने मुख्य समस्याओं में क्या समस्याएं रखी? उसमें मेन समस्या हमारी ये थी कि जो दीनदयाल चौक पे एक पहले ही जो नाला चल रहा था जो बंद कर दिया गया है वो उसको खुलवा देंगे। दीनदयाल चौक से लेके मॉडल टाउन ड्रेन तक एक जो पाइप 12 इंची ही सिर्फ डाला गया था उसको जितनी ड्रेन पीछे से वो आ रही थी उतनी बड़ी ड्रेन नाले तक ले जाएंगे। तीसरी उन्होंने ये शोर किया है कि जितनी मोटर्स जो ऑलरेडी चल रही थी उससे डबल उनकी कैपेसिटी कर देंगे। नंबर चौथा जो गुरुद्वारा साहब के पास नेचुरल फ्लो वाटर है वो मौका देख के वो भी ड्रेन हमारी नई डलवाने की कोशिश करें। ये जो अगर ये हमारा काम हो जाता है पांचवी जो ऑलरेडी हुड्डा ने ड्रेन्स सेक्टर में डाली हुई है वो बंद पड़ी थी जो उनको खुलवाने के लिए भी प्रोसेस शुरू करवा दिया है, एस्टीमेट तैयार कर दिया है। एक महीने के बाद हमारी मीटिंग दोबारा मैडम ने कहा है कि 1 अक्टूबर को हम दोबारा इसको नई जो भी वर्किंग डे होगा एक महीने के बाद हम दोबारा सिटिंग करेंगे, उसमें बताएंगे कि हमारी प्रोग्रेस क्या है।